दुरुश्री पढ़। सवाल यकीनन आपने पढ़ लिया होगा, याद भी हो गया होगा, क्योंकि अभी देर लगी है, इतनी बार पढ़ा होगा आपने अच्छे तरीके से कि याद हो गया होगा। फोर्टी थाउजेंड फुटबॉल बनाते हैं एक महीने में और उसका एग्जिस्टिंग डेटा ऊपर वाले टेबल में दिया हुआ है। एक फुटबॉल को बनाने में लगता है 1.5 घंटा। जबकि नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 × 250 और 10,000 ओवर टाइम। कल वाली फिगर थी, दोबारा लिख रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर और FOH दोनों क्यों कैलकुलेट करने हैं? क्योंकि मैनेजमेंट का प्लान था कि वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कम करना चाहते हैं। और ये सवाल डिसीजन मेकिंग का क्यों है? क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर है, तो ये डिसीजन ही होता है जब चूज करना होता है, तो ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। लेकिन चूंकि सारी कैलकुलेशन लेबर के चैप्टर की है, इसलिए इस चैप्टर में रखा हुआ है इसको। अभी इस वक्त अगर किसी को ये मुश्किल आए कि ये कैसे पता इस सवाल को कैसे करना है, तो ये कोई बड़ी मुश्किल परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इस चीज की बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें, बहरहाल मैंने जो भी समझाया है कि इसमें हमने तीन कैलकुलेशंस को कंपेयर करना है, क्या ये बिल्कुल भी समझ नहीं आई बात? हमने तीन ऑप्शंस को कैलकुलेट करना है, बात आई है ना समझ? रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो बस ठीक है, हो गया सवाल डिसीजन मेकिंग का। इनमें हमने तीन कैलकुलेशंस करनी है और उन तीनों कैलकुलेशंस में कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट में यह तो नहीं बताया कि आप कैसे फैसला करेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा है, मोस्ट इकोनॉमिकल। ये नहीं कहा कि कैसे फैसला करना है कौन सा सस्ता है, या लिखा है रिक्वायरमेंट में नहीं, बस ये कहा है सस्ता कौन सा है। तो फिर क्या खर्चा कंपेयर करना है? एक तो ये कि सवाल में डेटा ही दो खर्चों का है, डायरेक्ट लेबर और FOH। और दूसरी बात, ये जो दोनों ऑप्शन से ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट चाह रही है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को रिड्यूस करना, तो इससे भी हिंट मिल रहा है कि तीनों कैलकुलेशन में हमने कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर सवाल में कहीं मटेरियल वगैरह भी होता और ये कन्वर्जन कॉस्ट का वर्ड ना लिखा होता, अगर सवाल में ये ना लिखा होता कि मैनेजमेंट कन्वर्जन कॉस्ट रिड्यूस करना चाह रही है, और सवाल की रिक्वायरमेंट ऐसे ही होती कि बताएं सबसे सस्ती ऑप्शन कौन सी है, तो फिर हम क्या करते? फिर हम हर कैलकुलेशन में मटेरियल भी ले लेते। क्यों ले लेते मटेरियल? क्योंकि सवाल में होता। मकसद क्या है कि कौन सी ऑप्शन सबसे सस्ती है, तो सवाल में जो जो खर्चे हैं सब खर्चों को हम कैलकुलेट कर लेते। इस सवाल में खर्चे हैं ही सिर्फ लेबर और FOH, इसलिए सिर्फ लेबर और FOH कर रहे हैं। अगर मटेरियल होता तो वो भी ले लेते, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस होते वो भी ले लेते। बाकी तफसील तो हर डिसीजन मेकिंग में आएगी कि क्या सारे खर्चे कंसिडर करने हैं या इग्नोर करने हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें सवाल में दिए ही डेटा डायरेक्ट लेबर और FOH का है, इसलिए मैं हर ऑप्शन पे डायरेक्ट लेबर और FOH कैलकुलेट कर रहा हूं। डायरेक्ट लेबर कल मैंने कैलकुलेट किया था बेसिक वेजेस, ₹42 × 50,000 और ओवर टाइम 73.5 × 10,000 7,35,000 2,83,500। ये डायरेक्ट लेबर है और FOH, आपको क्वेश्चन में FOH बेशक वर्ड साथ वेरिएबल लिखा है लेकिन है तो ओवरहेड ही ना। ओवरहेड्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ₹75 पर लेबर आर, तो हम तो टोटल कर रहे हैं, तो टोटल तक कैसे पहुंचे? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबर आर्स,
तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स ये वाले या जितने घंटे काम हुआ या होगा, ये अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। सवाल की वर्डिंग पर के पहले टेबल को देख के इन कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी तकलीफ है तो बताइए। कोई नहीं, गर्मी लग रही वो चल रहा वो। अच्छा वैसे तो आप बड़े बच्चे हैं लेकिन फिर भी चलो नसीहत कर देता हूँ, ये अपना गर्मियों ने और बढ़ना है तो ये जो खास तौर पे हॉस्टल वाले बच्चे हैं ना बेटा, सादगी और गंदगी में फ़र्क होता है। देखें गर्मियाँ हैं और ये इंसानी जिस्म की नेचर है कि पसीना आना है और पसीने में बदबू होनी है, लेकिन उसको कैरी करना आपकी गलती है, तो इसलिए नहा धो के आया करें। और जहाँ आपने स्मार्टफोन्स खरीदे हुए हैं तो आप ना वो ड्योडरेंट भी खरीदें, और ये ना नहीं साबुन तो चलो नहाते हुए है ना उसके बाद ड्योडरेंट यूज़ करें। नहीं मैं आपको बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ कि हमारा जो दीन है ना उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रमोट इस चीज़ को किया गया है सफाई, तो ये कोई अच्छे आदाब नहीं है कि हमारे जिस्म की जो बदबू है वो दूसरे तक पहुँचे, ये कोई अच्छे आदाब नहीं है, ये कोई सादी लाइफ नहीं है, एक गंदी लाइफ है। तो अगर आप लोग इस बात का नहीं ख्याल कर रहे होते तो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका ख्याल किया करें, और चलो परफ्यूम ना सही लेकिन डिओडेंट इस्तेमाल किया करें और इसको इंश्योर किया करें। और कपड़े हैं कोई भी यार सस्ता सा कोई भी ले लें, इतर की शीशी ले लें लगा लिया करें ऐसे, लेकिन कुछ भी सस्ता। जी बोले इस सवाल में हाँ हो सकते थे लेकिन इस पे ज्यादा जो बात आप पूछना चाह रहे हैं शायद वो मैं अभी इंटेंशनली इग्नोर कर रहा हूँ, ये डिसीजन मेकिंग में देखेंगे जाके कि फिक्स्ड ओवरहेड होते हो तो क्या करते, इस सवाल में नहीं है ना इसलिए मैं जिक्र नहीं कर रहा। डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल होगी बात एड्रेस के फिक्स्ड का क्या करते। ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन ये है कि इनको जो अभी हम लोग वेजेस दे रहे हैं, अभी वेजेस क्या दे रहे हैं 42 पर आर और उसके अलावा ओवर टाइम, लेकिन मैनेजर ने सजेस्ट किया है कि उनको पर आर की बजाय पर यूनिट पे शिफ्ट कर दें। ऑप्शन वन पढ़ रहा हूँ, इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ 72 पर यूनिट। ठीक है जी चलें पर यूनिट, तो अब ऑप्शन वन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बन जाएगी रुपीज 72 इंटू पर यूनिट है ये इंटू 40,000 जी 2880। चूंकि रेट पर यूनिट था तो इंटू यूनिट, अब वो आर्थ वर नहीं रहे, अभी चल रहा है सवाल अभी चल रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द करंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम 65% टू 78%। इसका क्या काम है? तो क्या वो 40 से ज्यादा बना देगा? कम टाइम में बना देगा, क्योंकि फुटबॉल तो 40,000 ही बनाने हैं। रिक्वायरमेंट में भी वो यही पूछ रहा है कि मंथली 40,000 फुटबॉल बनाने का बताएं क्या खर्चा होगा, तो फुटबॉल तो 40 ही बनाने, तो कम टाइम में बना देगा आप, तो क्या हमने तो पर यूनिट किया है कहीं बोनस कहां है? ओवर टाइम भाई, ओवर टाइम तो टाइम रेट सिस्टम में होता है, ये तो 72 पर यूनिट है। ओवर टाइम तो तब होता है जब रेट पर आर हुआ करता है, अब तो नहीं है पर आर। क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्या बनाने तो 40,000 फुटबॉल है, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, इनफैक्ट जल्दी बना लेगा, कम देर लगाएगा, ठीक है, तो क्या हमने तो पर यूनिट किया। ठीक है खुशी भी होगी, सब पार्टी करेंगे खुश होगा, लेकिन तो क्या लेबर कॉस्ट नहीं? अच्छा देखिए ओवर टाइम वाली बात अब क्लोज हो जाएगी,
क्योंकि ओवर टाइम तो तब होता है जब रेट पर आर होता है, अब तो नहीं है ना, ऑप्शन वन तो कह रहे हैं सिस्टम ही बदल लें। हाँ जी, अभी इस वक्त हम लोगों ने लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की है, एफओएच भी तो करने हैं। तो जब एफओएच कैलकुलेट करेंगे तो एफओएच करेंगे 75 इंटू, अब 60 नहीं होगा, पहले एग्जिस्टिंग हालात में वो 40,000 फुटबॉल बनाने के लिए 60,000 घंटे लिया करते हैं, अब नहीं लगेंगे 60, अब कम लगेंगे। तो जितने लगेंगे ये वो होंगे, कितने लगेंगे अभी मतलब इसी बात को करता हूं अभी बात, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि रेट अब हमने उनसे पर आर की बजाय पर यूनिट तय कर लिया, लेकिन एफओएच तो 75 पर आर ही है, उसके लिए तो इनटू आर्स ही चाहिए। 60,000 नहीं होंगे क्योंकि अब 60 लगा ही नहीं करेंगे, कैसे पता 60 नहीं लगेंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। नए आर्स निकाल लेते हैं, अच्छा पहले आप लोग ट्राई जरूर करें, बताएं नए आर्ट्स, चलें बाकी भी सारे ट्राई कर लें। कोशिश मेरे बच्चों सारे किया करो। मैंने पूछा है कि अब अगर ऑप्शन वन पे चले गए तो वर्कर्स टोटल कितने आर्स लेंगे, चलें देखते हैं। कैलकुलेट किया ऐसी बताए, ये तो ऐसी बताया, अभी इस वक्त सही जवाब आप तक पहुंचाने से ज्यादा जरूरी है कि आप कोशिश करें। चलें ठीक है ट्राइड, पहले कितना टाइम लगता था, 60,000, या कोई ऐसे भी कर ले कोई मसला नहीं,
जिन लोगों ने किया है ऐसे कि नहीं, किसी ने नहीं ऐसे किया ट्राई, किसी ने भी नहीं, कि पहले 65% एफिशिएंसी थी, 78 हो जाएगी है? नहीं, ऐसे नहीं किया। अच्छा चलो, ये किया ना। हाँ भाई, अरे भाई, जिसने नहीं किया उसने नहीं किया, जिसने किया है उसे पूछा। तो ऐसे किया है किसी ने ना। अच्छा, जिन्होंने ये किया है अभी उन्हीं से बात हो रही है, बाकी जिनको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, इग्नोर कर देना। जिन्होंने ये किया है ना, उन्होंने इनफैक्ट ये सोचा होगा कि ये जो 60,000 घंटे है ये 65 था तो 78 क्या होगा। ऐसे किया अगर ये 65 था तो 78 क्या होगा, 65 से डिवाइड, 78 से मल्टीप्लाई। जिन्होंने ऐसा किया है, ये सही मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, यही सोचा था कि ये 65 है तो 78 क्या होगा। तो बात ये है कि 65 ये नहीं है, ये 100% है। देखिए, एफिशिएंसी 65% कैसे निकली होगी, लेबर एफिशिएंसी का फार्मूला क्या था, स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल। 65% का मतलब था कि ये 100 है तो वो 65 है, 65%। 60,000 क्या है, ये है या ये है, तो ये तो 65% नहीं, ये तो 100 है, ये 65 है। जिन लोगों ने 78-65 सोचा था ना पहले, मैं उनको समझा रहा हूं, ये इसलिए गलत है क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये पहले 65 था अब 78 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये 65 नहीं था, ये 100 था, क्योंकि जब लेबर एफिशिएंसी रेशियो 65% निकली हुई थी तो वो इस फार्मूले से निकली थी, स्टैंडर्ड टाइम ओवर एक्चुअल टाइम। तो जो 65% आंसर आया हुआ था वो था 65%, यानी ये 100 था ये 65 था, तो 60,000 क्या था, 100। तो ये गलत है बात, इसमें तो आप कह रहे हैं कि ये 65 था हालांकि 65 नहीं था। ठीक है, चले अब ना मैं बाकियों को एक समझा लंबे तरीके से रहा हूं, लेकिन वही मुझे सेफ लग रहा है समझाने के लिए। वर्किंग टू थोड़ा लेंथी तरीका है लेकिन मुझे यही मुनासिब लग रहा है बताने के लिए, और उसके लिए आपको हिंट ये है कि अब एफिशिएंसी 65% की बजाय 78% हो जाएगी, लेकिन हमें एफिशिएंसी नहीं, हमें तो आर्स चाहिए। तो अब यहां से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल आई है जहन में, हो सकता है शायद मैं पॉइंट कन्वे कर दूं, नहीं तो इग्नोर कर देना। अगर ये नहीं पता कि इतने रुपए में कितने पाउंड स्टर्लिंग मिलेंगे, अगर ये नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि इतने रुपए में इतने डॉलर मिलेंगे और इतने डॉलर में इतने पाउंड स्टर्लिंग मिलेंगे, तो हम कुछ कैलकुलेशन करके पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ नहीं, तो हमें ना चाहिए यहां पर आर्स, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अब हमें इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी के फार्मूले की गिवन है, अब हमें इस फार्मूले में ही कुछ खेलना है, किसी तरह हम एक्चुअल निकालने की कोशिश करते हैं। हिंट क्या मिला कि हमें कुछ करनी जोर अपनाई एफिशिएंसी के फार्मूले से, हमें चाहिए नए आर्स। ये तो पता है कि नए आर्स 60 नहीं होंगे, कैसे पता, क्योंकि एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, तो चाहिए तो हमें आर्स। अच्छा चाहिए क्यों आर्स, हमें तो यूनिट चाहिए थे एफओएच के लिए, तो नए रिवाइज्ड आर्स चाहिए, और उसके लिए हिंट एफिशिएंसी के फार्मूले से ही निकलेगा। तो बस जहां से हिंट निकलेगा वहीं से कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त जो एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी निकली हुई है वो निकली हुई है स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग एक्चुअल करके, और इसमें से क्या क्या पता है, ये नहीं पता, ये तो नहीं पता सवाल में कि एक यूनिट बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये तो नहीं दिया हुआ सवाल में। ये पता है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस 65% है, और हमें ये पता है कि एक्चुअल 1.5 होता है। इसमें से हमें ये नहीं पता, ये दोनों फिगर्स पता है ना,
ये 60.65 ठीक लिखा मैंने या 65 लिखूं? तो ठीक है 0.65 और इस तरह निकला होगा ये, तो इनमें से ये पता है हमें, ये नहीं पता कितना होगा 0.9। क्या चीज है ये 0.975 आवर्स पर यूनिट है ना, स्टैंडर्ड टाइम है ये। हमें इस वक्त एग्जिस्टिंग के मुताबिक जो चीजें पता थी वो निकली लिख ली और मैंने स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब हमें ये भी पता है कि अगर ये रिवाइज हो गया तो एफिशिएंसी भी रिवाइज हो जाएगी। देखिए लेबर एफिशिएंसी रेशो का फार्मूला क्या होता है ना, तो वो 65 से अगर 78 जा रही है तो इसमें से क्या चीज चेंज होगी तो वो 78 तक पहुंच जाएगी। ये या स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड बदलने वाला है? उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है ना, तो ये चेंज हो जाएगा। यार बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं मैं, लिख के दोबारा बताता हूं। अभी इस वक्त 65% जो निकला हुआ है वो इस फार्मूले से निकला हुआ है। हमें स्टैंडर्ड सवाल में नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि ये जो भी है आंसर 65% है। अभी इस वक्त नहीं पता था तो मिसिंग फाइंड कर लिया। अभी इस वक्त 1.5 घंटा लगाता है तो एफिशिएंसी 65% है। वर्कर एक्चुअली 1.5 घंटा लगा रहा है तो एफिशिएंसी 65% है। क्यों हो जाएगी अब 65 से इंप्रूव होकर 78? वो 1.5 घंटे से कम टाइम लगाएगा इसलिए हो जाएगी, या हम स्टैंडर्ड चेंज कर दें? सवाल में कहीं स्टैंडर्ड चेंज करने लगे हम? नहीं, वो अब टाइम कम लगाएगा तो इस फार्मूले में से क्या बदल जाएगा? ये डिनोमिनेटर बदल जाएगा। तो अगर ये बदलेगा तो ही फिर ये आंसर चेंज होने वाला है। अब इनमें से क्या क्या पता है? ये क्या है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं लिखा गया, मुझे नजर नहीं आ रहा ना, बता दो मेरे बच्चे ऊपर क्या लिखा है वो बताओ। आपने कैलकुलेशन में क्या लिखा है वो बताओ। आपने 65 लिखा हुआ है, 0.65 लिखा हुआ है पॉइंट, तो फिर आगे 100 दोबारा ना लिखो। 78 लिखना है तो फिर आगे 100 लिखो। ये क्या बन गया अब 0.78, ये यही 0.97 है। ये हमें नहीं पता, पता चल सकता है? वन पॉइंट, यानी वो जो वर्कर्स पहले 1.5 घंटा लेते थे एक यूनिट बनाने में, अब वो 1.25 लिया करेंगे। ये रास्ता क्यों चुना? क्योंकि आपको रास्ता दिखाई ही नहीं था, सवाल वाले ने लिंक ही ये बताया था, तो चूंकि उसने लिंक बताया ही एफिशिएंसी का है इसलिए हमें इसी रास्ते में आके तलाश करनी है, इसलिए इस तरीके से चलना पड़ा। और इसी में नीचे एक लाइन और, नीचे जगह नहीं, यहां लिख रहा हूं टोटल। ये ऑप्शन वन है जी। ये कह रही हैं आप का क्या डिफरेंस बना? पॉइंट नहीं, मैंने कुछ गलत देख लिया। हाँ अच्छा, आप बोलिए क्या करूँ? यानी आप 1.5 को ये कह रही हैं? हाँ 60,000 है ये, 60,000 ही है ना, ये कहाँ है? क्या आंसर आ रहा है इसका?
चलिए इसको नोट करें, मैं सोच रहा हूँ कि गलत क्यों। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ ठीक है, देखें ये जो अच्छा जिनको ये 13 वाली बात ही समझ नहीं आई, ये बात भी उनसे नहीं है। ये जो आपने 13% किया ना, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल वहीं का वहीं है, स्टैंडर्ड को हम चेंज कर रहे हैं। अगर आप 0.65 से 0.78 का डिफरेंस 13% ले रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिसका ये 65% था उसी का 13% कम कर दें। हालांकि वो तो चेंज खुद होने लगा है, जबकि हम उसको अगर 100 ही रहने देंगे तो हम कह रहे हैं वो 1.5 वहीं का वहीं रह रहा है, हालांकि वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये वाला आंसर गलत आ रहा है। ये रास्ता क्यों लंबा लेना पड़ा? क्योंकि सवाल में आपको लेबर एफिशिएंसी की ही चेंजेस बताई थी, तो हमें जब रास्ता ही यही बताया था तो जो चीज तलाश करनी थी वो फिर यहीं पर जाके तलाश करनी थी। बताइए क्या वैल्यूज पुट करूं? 0.65 over 0.78 अच्छा, अब आप इसको गिवन अमाउंट कह रही हैं? गिवन और मतलब गिवन ये है, क्या होता है फार्मूला गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय, तो क्या ये 78% है? नहीं, ये 78% तो नहीं है। ये आप फार्मूला लगाते लगाते लगा गलत गई, लेकिन इत्तफाक से वो ठीक हो गया। ये 78 नहीं है, जो फार्मूला आपने बोला है ना, आप असल में ये कह रही हैं कि अगर ये 78 है तो 65 क्या होगा, आपने ये कहा है, जबकि 78 नहीं है। इत्तफाक से आ गया ना, आपने उसको पलट कर दिया, इसलिए इत्तफाक से सेम आ गया। लेकिन आपके ये फार्मूले लगाने का अच्छा, ये जो मैं इस वक्त ये जो 3-4 बच्चों ने कुछ सवाल कहे, ऐसे भी हो सकता है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये कोई टाइम जाया नहीं कर रहा। देखिए कॉस्ट में ना कॉन्सेप्ट ऐसे ही बेहतर होते हैं, जिसके ध्यान में जो भी अल्टरनेटिव आए मुझसे पूछा करें, आपका दिमाग चले, आप अल्टरनेटिव सोचें। हाँ ठीक है, लिमिट भी है, ये ना हो कि अल्टरनेटिव ही सोचते रह जाए, कोर्स खत्म ना हो, लेकिन जो कर रहा होता है मैं उसको इनकरेज करूंगा, मुझसे पूछा करें। और जब मैं इस तरह की डिस्कशन कर रहा होता हूँ तो देखिए शायद बाकियों को भी कुछ ना कुछ समझ आ जाए। ये इत्तफाक से ठीक हो गया आपसे, वरना जो इस वक्त ये चीज लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये 78 है तो 65 क्या होगा, हालांकि 78 नहीं है। बस ये आखिरी वैरायटी, मैंने आगे भी चल रहा हूँ जी। फिर से बोलो किसका 65 लिया? 60,000 का आपने क्या किया? 40,000 तो फुटबॉल है। हाँ आपने पहले बिल्कुल ठीक है, वो स्टैंडर्ड आ गया। अब वो रिवाइज्ड वाले का 78% है ना? सही सही। नहीं नहीं यार, सवाल पूरा नहीं होगा। आप कह रहे फार्मूला ही गलत भाई, ये तो बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है, मकसद अगर ये ज्यादा होगा तो आंसर 100 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? 100 से कम आएगा। हाँ 100 से कम आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड से ज्यादा टाइम लगा रहा है तो अच्छी बात है, कमतर बात है ना, तभी उसकी एफिशिएंसी 100% से नीचे है। 100% से नीचे एफिशिएंसी, इसका मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो तभी आंसर आएगा जब आप डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे। बस बस, अब अल्टरनेटिव्स कोई नहीं, नहीं नहीं नहीं। अब क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, अगर मुझे ठीक लगी तो मैं जरूर कल क्लास में शेयर कर दूंगा। वर्किंग टू डन। अब इसमें हमें ये बस ठीक है, ऑप्शन 1 हो गई। ऑप्शन 2 नोट करिए, मैं मिटाऊंगा। नहीं, पेपर में क्या लिखेंगे आप?
5% निकाला ये और उस... वो लिख के दिखाओगी ना पेपर में, लिखोगे ना उसको तो ठीक है ना। आप जो पेपर में लिखना चाह रही ना वो लिख के मुझे दिखाओगे क्या पूछनी है पेपर में लिखें तो ठीक है। ठीक है नोटेड। जी हाँ जी, जो मैंने ये वर्किंग टू की थी, देखिए मैंने ना आपको जो वर्किंग टू कराई है जैसे लंबा तरीका है, लेकिन मैं ये बात आपको सिखा सकता हूं एज अ रूल कि हमें जो मिसिंग फिगर दी है उसके बारे में जो हिंट दिया हुआ है उसी जगह, जैसे आप आपकी बुक गुम हो गई है और आपको हिंट दिया है कि भाई मैंने ना रिसेप्शन के ऊपर एक बुक पढ़ी देखी है, अब आप उसको कहाँ ढूंढेंगे जाके, रिसेप्शन भी जाएंगे ना, तो हमें जो चीज़ ढूंढनी है उसका जो भी सवाल में कोई लिंक हिंट दिया है हमें वहीं जाकर उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सवाल में हमें नए आर्ट्स चाहिए थे और उसका हिंट एफिशिएंसी के जरिए ही है तो उसके फार्मूले में ही ढूंढेंगे जाके, इसलिए मैंने बेशक लेंथी सही लेकिन ये बात बताई, बाकी और भी लोगों ने जैसे शॉर्टकट कर लिया वो हो गया, लेकिन ये वो स्टूडेंट गहरा सोच पा रहा था, सबको मैंने कुछ रास्ता तो बताना है ना, तो रास्ता यही था, बाकी किसी का ज्यादा बेहतर दिमाग चलता है और उसको जैसे कुछ बच्चों ने किया भी है कि ये जो अच्छा किसी ने किया हो तो चलो ये बात भी मेरी सुन लें, अगर किसी ने किया हो कि ये जो 60,000 है ये 65% है कि 100 है, तो इस 100 का पहले 65 निकालें, अब जो 65 निकलेगा अब वो रिवाइज वाले का 78 होगा, उसको 78 से ग्रॉसअप कर लें तो भी 50,000 आ जाएगा, जिसने ये सोच के कर लिया ठीक है शाबाश। एक बार दोबारा बताता हूं, बता रहा हूं जनाब बता रहा हूं, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट वो होते हैं जो जिसको जैसे क्लिक कर जाए, आवाम को तो मैंने एक रास्ता बताना है, वो रास्ता ये था और तरीका क्या बताया कि मिसिंग फिगर निकालनी है तो जो हिंट दिया है आप उस हिंट तक जाके तलाश करें, ये आपको रूल सिखा रहा हूं। ये जो भी मैंने शॉर्टकट बताया दोबारा सुन लें, जिसको काम का लगे 60,000 घंटे अभी इस वक्त लगते हैं, चाहे 60,000 की बात कर लें चाहे 1.5 की बात कर लें, ये अभी इस वक्त 65% नहीं है ये 100% है, स्टैंडर्ड इनका 65% होता था, तो पहले 60,000 का 65% लें, वो क्या आ गया, क्या है वो स्टैंडर्ड आर्ट्स, स्टैंडर्ड आर्ट्स अब भी उतना ही होंगे लेकिन अब ये रिवाइज टोटल का 78% होंगे, तो 39,000 को 78% से ग्रॉस करेंगे तो नए रिवाइज्ड वाले आ जाएंगे। यार एक और तरीका नहीं ना, नहीं नहीं एक और तरीका नहीं, क्लास की बात बताना। ऑप्शन टू क्या है, ऑप्शन टू की वर्डिंग थोड़ी सी अजीब है, मैंने ना इस ओरिजिनल पास्ट पेपर की वर्डिंग को मजीद चेंज किया है, स्टिल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ये चेंज ना करता तो फिर काफी कंफ्यूजिंग थी, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंज किया है, समझाता हूं। इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान, अच्छा बल्कि इससे पहले एक बात समझा दूं, अगर एक कॉलेज ने एक क्लासरूम और कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए सामान खरीदना है, मजदूर लाने हैं और उन मजदूरों के लिए कोई इंचार्ज ठेकेदार लाना है, उस ठेकेदार से पूछें कितने दिन का काम है, वो कहेगा जी 25 दिन का काम है और मेरी पूरी टीम की रोज़ाना की दिहाड़ियाँ 10,000 होंगी, अब वो 25 दिन लगें 28 भी लग सकते हैं, बहरहाल हमारी रोज़ाना की दिहाड़ियाँ 10,000 रुपये की हैं, कॉलेज वाले उनसे कह सकते हैं कि तुम ऐसा करो 2.5 लाख रुपये लो और बस काम पूरा कर दो, अब ये 2.5 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ, 10,000 दिहाड़ी इंटू 25 दिन, तो 25 दिन का काम पैसे 2.5 लाख, अब चाहे तुम 15 दिन में कर लो चाहे 225 दिन लगा दो, क्या ठेका तय कर लिया 2.5 लाख रुपए, ये कैलकुलेट कैसे किया, 10,000 इंटू 25 दिन यानी पूरी काम की प्राइस तय करते हुए बेस 25 दिन को बना लिया, लेकिन ये प्राइस तय करने के लिए था, क्या लाजमी है वो 25 दिन लगाएगा, नहीं, बस हमने 25 दिन को कैलकुलेट करके एक टोटल अमाउंट निकाली और बस उसका ठेका कर लिया, चाहे वो 25 से ज्यादा दिन लगाए फिर भी 2.5 लाख देंगे और अगर 25 से कम लगाएगा तो भी 2.5 लाख ही देंगे, बेशक कैलकुलेशन में 10,000 इंटू 25 दिन किया गया है लेकिन ये प्राइस तय करने का एक तरीका था कि हम तुमसे 25 दिन का ठेका कर लेते हैं, अब उसके अलावा जितने दिन लगाने वो तुम्हारा मसला है, जल्दी कर लोगे तो चले जाओ, फिर भी हम देंगे 25 दिन के यानी 2.5 लाख रुपए।
इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान विद अ वेज रेट ऑफ 48 पर आर फॉर टोटल आउटपुट, यानी 40,000 फुटबॉल बनाने के पैसे देंगे उनको 48 रुपए पर आर। लेकिन बात अभी आगे चल रही है। कैलकुलेटेड ऑन दी बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.4 आर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम जो उनसे रेट तय करने लगे हैं उनको ये कह रहे हैं कि 40,000 फुटबॉल इतने घंटे के हिसाब से टोटल कितने घंटों में बन जाने चाहिए, तो हम तुम्हें 56,000 घंटों का 48 रुपए पे करेंगे। क्या वो वाकई 56,000 घंटों में ही काम लाजमी कर लेंगे? नहीं, मर्जी उनकी, चाहे देर करें चाहे जल्दी करें। हमने उनसे पैसे ये एग्री किए हैं, नींद आ रही है ना? मैंने कहा नींद आ रही है। ऑप्शन टू की अंग्रेजी पढ़ के ये वाली बात समझ नहीं आई तो बताएं, मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। जो मैंने उससे पहले 2.5 लाख की मिसाल दी थी वो आ गई समझ के? नहीं। 25 दिन इंटू 10,000 रुपए पर डे, सिर्फ इसलिए 25 दिन लिए कि एक बार बस अमाउंट टोटल कैलकुलेट कर ले, उसके बाद उस ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि तुमने ये काम 2.5 लाख में पूरा करके देना है। ज्यादा दिन लगा दोगे तो भी मिलने 2.5 लाख ही। इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान। अच्छा, वर्ड बेशक यहां पर बोनस आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो अगला सेंटेंस है, नो अदर पेमेंट विल बी मेड, तो उसका मतलब है कि बस सिर्फ टोटल पेमेंट यही होनी है। बोनस का वर्ड इसलिए बोला गया कि पहले हम क्या पैसे दिया करते थे उनको, अभी एग्जिस्टिंग 42 पर आर दिया करते थे, अब हमने इसको 48 कर दिया है, तो उसमें हो गया है बोनस इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल, इसलिए वर्ड बोनस आ रहा है। देखो हाईडे रेट की तो एक कहानी अलग है ना, जितने घंटे वो काम करेगा उसके ऊपर नया रेट लगेगा, तो अब तुम जितने घंटे वो काम करेगा उस पर रेट नहीं लगाने लगे। हम तो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम तुम्हें 48 पर आर के हिसाब से इंट्रोड्यूस अ मंथली ग्रुप बोनस प्लान। अच्छा, अभी बोनस का वर्ड छोड़ देते हैं। मंथली ग्रुप प्लान विद अ वेज रेट ऑफ 48 रुपए पर आर फॉर टोटल आउटपुट, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कि हम जो उनको पैसे देने लगे हैं, देने तो लगे हैं 48 पर आर के हिसाब से, लेकिन वो आवर्स कैलकुलेट कैसे होंगे? जितने यूनिट्स बनाने हैं 1.4 में बनने चाहिए, जो मैं मिसाल 25 दिन की दे रहा था ये वो 25 दिन है, काम 25 दिन में करना है। हमने कहा कि तुमने 56,000 घंटे में काम करना है, उसके पैसे हम तुम्हें देने लगे हैं। अगर वो वाकई 56,000 में काम कर ले तब भी इतने पैसे देंगे, 56,000 से कम लगाए तो भी इतने पैसे देंगे, 56,000 से ज्यादा लगाएगा तो भी इतने पैसे देंगे। अगला सेंटेंस, नो अदर पेमेंट विल बी मेड, यानी बस सिर्फ यही पेमेंट होनी है। ऑप्शन टू की अंग्रेजी। जी कितना? 2688। अच्छा, अब वो जो बोनस का वर्ड इग्नोर किया था, अब आते हैं बोनस के वर्ड से लग रहा है कि शायद ये तो बेसिक वेजेस हैं, कोई और बोनस भी देना होगा, तो उसके अगले सेंटेंस में लिखा है नो अदर पेमेंट विल बी मेड। तो इसलिए इसको बोनस इसलिए नहीं कहा था कि बेसिक वेजेस अलग होंगी फिर टाइम सेव अलग निकलेगा, इसको बोनस का वर्ड इसलिए यूज किया था कि हमने रेट ही बढ़ा के उससे पैसे तय कर लिए, तो उसमें ऑलरेडी इंसेंटिव इंक्लूड हो गया, इसलिए वर्ड बोनस था, वरना होनी पेमेंट बस ये वन लाइनर ही है। हाई रेट तब होता है कि एक रेट बस नया तय हो जाए, मल्टीप्लाई वो कितने आर से होता है, जितने वो काम करेगा। तो अब तो हम ऐसा नहीं करने लगे कि जितने आर वो काम करेगा, क्या पता वो 40,000 घंटों में काम खत्म कर दे। चलें, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई, और क्या ओवर टाइम भी पे करना है? लेकिन वो कह तो रहा है ओवर टाइम का जिक्र कर रहा है। ओवर टाइम रिड्यूस करने को कह रहा है तो देने हैं ओवर टाइम, फिर ओवर टाइम क्यों कह रहा है? लेबर को तो इतने ही पैसे देने हैं,
लेकिन हमने अब जहां FOH जब लिखना है तो FOH में 75 किससे मल्टीप्लाई होगा। अगर हमने ठेकेदार को कह भी दिया कि तुम्हें 25 दिन के पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर वो 28 दिन लगा देता है तो बिजली तो हमारी 28 दिन ही इस्तेमाल होगी ना, तो इसलिए ओवरहेड्स तो उन्हीं आर से मल्टीप्लाई होंगे जितने अब वो असल में लगाएगा, इसलिए ओवरटाइम वाली बात लिखी है। और ओवरटाइम वाली बात पहले ओवरटाइम अभी कितना लगा करता है, लेकिन ये कम हो जाएगा बाय 40% के 240 बाय 60%, यानी ये इतना रह जाएगा बाय 60 लिखा है तो 40 रह जाएगा ना, रह 40 जाएगा। तो क्या हम छुट्टी का टाइम भी चेंज कर देंगे? तो ये 50 है, ये 4 है, तो इसका मतलब है वो टोटल ये काम 54,000 घंटों में करेंगे। पैसे उससे हमने 56,000 घंटों के तय किए हैं, लेकिन हमारे ओवरहेड्स तो उतने घंटों के आएंगे जितने घंटे असल में काम होगा। हमने उनसे एक रेट तय कर लिया कि हमारे ख्याल में 1.4R बहुत है, बस तुम्हें 1.4R के हिसाब से पैसे मिलेंगे, लेकिन असल में उसने काम जल्दी कर लिया। तो ये जो ओवर टाइम की बात लिखी थी ये इसलिए लिखी थी ताकि आप रिवर्स जाके ये निकाल सकें कि अब ये काम कितनी देर में करेगा, तो वो 54,000 आवर्स में काम करेगा और वो यहां पर आ जाएगा। और अब इन तीनों कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन का हिस्सा है कि हम एक कंक्लूजन लिखेंगे और कंक्लूजन में नसीहत करेंगे। क्या नसीहत करेंगे भाई? हम तीनों को कंपेयर कर लें तो सबसे सस्ता क्या आ रहा है, तो हम कंक्लूजन में ये लिखेंगे कि चूंकि मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन 1 है इसलिए मैनेजमेंट को इसको फॉलो करना चाहिए। क्या इतराज है? नहीं नहीं वो एफिशिएंसी थी। हाँ 75% नहीं, 75 रुपए दे रहे थे। नहीं वो तो वेज का, वो तो ओवरटाइम का रेट था ना, वो तो जो पैसे दे रहे थे वो वेज का रेट 75% ऑफ बेसिक था। ओवर टाइम में 73 रुपए पर आर दे रहे थे। ओवर टाइम कितना कैलकुलेट किया था, ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है। एग्जिस्टिंग में एग्जिस्ट सॉल्यूशन देखना बेटा, अपना सॉल्यूशन देखो जो रजिस्टर पे किया है, मैं आपको बता रहा हूं ना, अपना सॉल्यूशन देखो ना। एग्जिस्टिंग में ओवर टाइम कैसे किया कैलकुलेट, 73.5 आगे इंटू 10,000 जो आप बात कर रही हैं 75%, वो ये 73.5 रुपए निकालने के लिए 75% कहा गया था, वो रेट था, हमने ओवर टाइम नहीं देना उसको। अब बात हो रही है उन 10,000 घंटों की, कि वो जो 10,000 घंटे ओवर टाइम लगा देते थे वो अब 60% कम हो जाएंगे। ये उन पैसों को 60% करने की बात नहीं कर रहा है, कम जो 10,000 घंटे वो ओवर टाइम लगाते थे उनको कहा है 60% कम लगेंगे। अब नहीं समझ आई? क्वेश्चन 4 किया है या नहीं किया है? कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया चलो कभी ना कभी तो शर्म आएगी, कभी तो करेंगे। अच्छा आपका होमवर्क, पहले तो ये सवाल आप खुद करें
और इसके बाद एक सवाल कर दें क्वेश्चन नंबर 9, उसमें इसी तरह से ये एफिशिएंसी चेंज हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 जेड लिमिटेड, मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 जी लिमिटेड, ये होमवर्क है, ये भी उसी तरह से डिसीजन टाइप सवाल है लेकिन है लेबर में ही। क्वेश्चन 9 होमवर्क, इसकी डबल एंट्रीज थोड़ी सी रह गई हैं लेकिन वो अभी आपका दिमाग बस हो चुकी है, तो मैं कल एंट्रीज बता के कल मैं इंशाल्लाह प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करूंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 4, तीन कंपोनेंट्स बनाता है बिजनेस। क्वेश्चन 4 कर रहा हूं डिस्कस, होमवर्क किया है जिन्होंने उनसे बात हो रही है। तीन कंपोनेंट्स बनते हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया नहीं सुनना तो मुझे बोलने दे, खामोश रहे ताकि बाकियों तक बात हो सके। तीन कंपोनेंट्स या कह लें तीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ए बी और सी। एक फैक्ट्री में तीन प्रोडक्ट्स ए बी और सी बनते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये चार तरह के वर्कर्स मिलके बनाते हैं। जैसे एक वैसे मिसाल दे रहा हूं कि मिस्त्री होगा जो ये सीमेंट वगैरह सब लगाएगा, फिर उसकी सपोर्ट के लिए मजदूर होंगे जो ईंटें उसको सही जगह रख कर देंगे, फिर उसकी और बिल्कुल लो सपोर्ट के लिए वो मजदूर होगा जो टेक्निकली कुछ नहीं करता होगा, बस सिर्फ ईंटें उठा के वजन उठा के लाता होगा। तो ये मुख्तलिफ लेवल ऑफ लेबर होंगे। इसी तरह से फैक्ट्री में चार तरह के लेबर हैं, ग्रेड 1, 2, 3 और 4। ये चारों तरह के लोग मिलके काम कर रहे हैं और ए बी सी बना रहे हैं। क्या ऐसा है कि ग्रेड 1 के लोग ए बनाते हैं, ग्रेड 2 के लोग बी बनाते हैं, ग्रेड 3 के लोग सी बनाते हैं और बाकी ग्रेड 4 तालियां बजाते हैं? ये चारों मिलके ए, चारों मिलके बी, चारों मिलके सी बना रहे। अब आपको जो टाइम दिया है स्टैंडर्ड वो प्रोडक्ट्स का दिया है, जबकि जो कैलकुलेशन करनी है वो हर ग्रेड के लेबर के लिए अलग अलग करनी है। ये बात दोबारा सुने, हमें चारों ग्रेड्स के लेबर की अलग अलग वेजेस, बोनस, ओवरटाइम प्रीमियम कैलकुलेट करना है। जब हर एक ग्रेड का अलग अलग बेसिक वेज ओवरटाइम प्रीमियम निकालना है तो हर ग्रेड ने कितने घंटे काम किया ये पता होना चाहिए। तो हाँ पता है, हर ग्रेड में कितने वर्कर्स हैं ये भी पता है और हर वर्कर ने कितने घंटे काम किया ये भी पता है। तो इस पहले टेबल के डाटा से बेसिक वेजेस भी निकल सकती हैं, ओवरटाइम प्रीमियम भी निकल सकता है। ये तो जैसे पहले चल रहे थे वैसा सवाल है, समझे चार कैलकुलेशंस कर रहे हैं हम, जिन्होंने कोशिश की बेसिक वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम में कोई परेशानी। इसमें मैक्सिमम सिर्फ इतनी बात थी लेकिन वो भी हम करते रहे ग्रुप में कि आपको आर्स वर्ग एक के बताए हैं, नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप के बनेंगे और वो बन जाएंगे आर्स, उन पे बेसिक रेट लगाएंगे तो बेसिक वेजेस आ जाएंगी और एक्स्ट्रा जो 50% प्लस है वो लगाएंगे तो प्रीमियम आ जाएगा। चारों ग्रेड्स की बेसिक वेजेस और ओवर टाइम प्रीमियम में कोई मुश्किल परेशानी, जिन्होंने भी कोशिश की नहीं। चूंकि चारों ग्रेड्स की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है तो फिर हमें टाइम सेव्ड भी चारों का चाहिए होगा, और टाइम सेव्ड निकाला जाता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम का फर्क, जबकि स्टैंडर्ड टाइम ग्रेड्स की बजाय प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है। यह एक सवाल में मुश्किल काम था, तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो वो उन्होंने आखिर में कह दिया, वो चलो करता हूं बताता हूं। अगर हम पहले इग्नोरिंग ग्रेड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करें कि टाइम सेव्ड कितना है, तो तीनों प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड टाइम निकल सकता है। कैसे? एक के कितने यूनिट्स बने, एक पे कितना टाइम लगना चाहिए, 30 यानी इतने आर्स, या 0.5 कह लें, कितने आर्स हैं? कंपोनेंट बी के कितने यूनिट्स बने, 9। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 50। ये क्या किया मैंने, मिनट्स थे ना, आर्स बनाए। सी 4 5 to
15 इतने टोटल घंटे इन सब के लिए मिला के, अच्छा सबको क्यों मिलाया जा रहा है, क्योंकि वर्कर्स ने ये तीनों मिल मिल गई बनाए, इसलिए ये आ गए टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। और बेसिक वेजेस कैलकुलेट करते हम चारों ग्रेड्स के एक्चुअल आवर्स निकाल चुके हुए हैं, उन सबको टोटल कर दें। क्यों टोटल कर दें? क्योंकि सबने मिल के ही ये बनाए। जब आप उन सब के एक्चुअल आवर्स टोटल करेंगे तो वो आ जाएंगे 1200। ये 360 सेव्ड हैं, लेकिन इनमें से 1 के कितने, 2 के कितने, 3 के कितने, 4 के कितने, अलग अलग क्यों चाहिए? क्योंकि बोनस हर एक का अलग अलग बताना है। इसके लिए सवाल में कह दिया गया कि द टाइम सेव्ड यानी 360, आखिरी सेंटेंस पढ़ रहा हूं, इज एलोकेटेड टू ईच ग्रेड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच ग्रुप। यानी जो हर ग्रेड के आवर्स वर्क हैं उस रेशो में इसको बांट दें। ये मतलब है इस बात का। तो जब ये बंट जाएगा तो बस ठीक है, हर ग्रेड का टाइम सेव्ड आ गया और उससे बोनस निकल आएगा। ये था क्वेश्चन 4। जिन्होंने किया है, मजीद कुछ पूछना है तो पूछें। जी हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, कर ले। मिनट्स में रहे तो फिर जो एक्चुअल है फिर उनको भी मिनट्स कर लेना, फिर रेट भी मिनट में होगा, क्योंकि रेट पर आर को इनटू मिनट थोड़ी कर सकते हैं, फिर रेट भी पर मिनट होना चाहिए। अच्छा, वो परसों एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने और वो सवाल बड़ा ज़रूरी था और अभी भी टाइम थोड़ा ही है, इसलिए वो एक क्लास में बात पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। सवाल ये पूछा था कि एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट है जी, क्या हो गया, एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट जिसको टॉप फॉर्म में इंडक्शन होनी चाहिए थी, उसकी इंडक्शन नहीं हुई, उसकी जगह एक सिफारशी आ गया जो डिज़र्व भी नहीं करता था और उसकी इंडक्शन हो गई, तो इसमें उस काबिल बच्चे की बेहतरी कैसे हुई और वो जो काबिल बच्चा था उसके साथ तो इंसाफ नहीं हो सका, तो अल्लाह के तो हर फैसले में बेहतरी होती है, तो फिर उसकी बेहतरी कैसे हो गई? एक अभी आज वाली क्लास में इसके जवाब में सिर्फ एक वाक्या बता रहा हूँ, एक स्पीकर इंटरनेशनल उसके मैं बयान में सुन रहा था, पूरा वाक्य तो भूल गया है लेकिन चलें, खैर मकसद तो बात पहुंचाना है, हो सकता है थोड़े वाक्य में चेंजेस भी हो रही हैं मुझसे। एक शख्स था और वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड था, और वो शख्स जो था वो नॉन मुस्लिम था, उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि फ़लानी यूनिवर्सिटी में जाना है और वो डिज़र्व भी करता था, लेकिन किसी वजह से उसका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका। जैसे आप में से हो सकता हो कि बहुत डिटरमिन्ड है कि मेडिकल करना था, बड़ा जोर भी लगाया, टेस्ट वेस्ट सब अच्छा हो गया, लेकिन समहाउ नहीं एडमिशन हो सका, तो उस शख्स का उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका, बहुत मायूस हुआ, और जिन भी अल्फाज में चलो अपना जो भी रब मानता होगा उसके साथ उसने जो भी गिला किया होगा, लेकिन असल रब तो अल्लाह था, और उसके वहाँ एडमिशन ना होने में हम ये देखते हैं कि बेहतरी कैसे हुई। उसका वहाँ एडमिशन नहीं हो सका और वो डिज़र्व भी करता था और उसका पूरा दुनिया का करियर शायद उस ही डिग्री से लिंक था, लेकिन उसका वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, डिसार्ट होके किसी और जगह चला गया, वहाँ पर कोर्स में एडमिशन ले लिया, बहुत मायूस कि मेरी ज़िंदगी अब बेकार है, और बज़ाहिर शायद वाकई बेकार ही हो जाती, लेकिन अब उस नई यूनिवर्सिटी में उसका ताल्लुक कुछ मुसलमान स्टूडेंट से बना, उनके साथ उठता बैठता रहा, दोस्ती बढ़ी, करते करते उनसे मुतासर होकर वो मुसलमान हो गया। अब अगर हमारा आखिरत पे ईमान है अगर, तो वो अच्छा रह गया उस यूनिवर्सिटी को मिस करके या बुरा रह गया? क्योंकि हमारा आखिरत पे ईमान है तो उसने चूंकि, अच्छा मैंने कल, हाँ नहीं इस क्लास में नहीं, दूसरी क्लास में बात की थी, जो शिर्क पे मरेगा ना, शिर्क पे, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, ये अल्लाह का वादा है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। आप कोई कहे कि भाई उसने इतनी नेकियां की थी बेचारे ने, उसका क्या कसूर, तो आप ना 10 किताबें रटा लगा के ख़त्म कर लें, लेकिन जब तक आप आईकैप से रजिस्ट्रेशन ही ना कराएंगे आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो जो बंदा शिर्क कर रहा है एक्चुअली वो जन्नत की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहा, तो वो दुनिया में जितना मर्जी अच्छा कर जाए जब वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रहा तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो हमारा ईमान चूंकि आखिरत पे है तो बेहतर हुआ या ना हुआ इसको हम दुनिया के पैराए पे नहीं तोलेंगे, हम उसको आखिरत के पैराए में तोलेंगे। तो अगर उसकी वो पहली यूनिवर्सिटी मिस हो गई, अगर सिर्फ जो शख्स दुनिया पे ईमान रखता होगा और वो ये
इग्नोर करता होगा भाई आखिरत तो होगी नहीं, बस मर जाएंगे तो मट्टी हो जाएंगे बात खत्म, तो उसकी नजर में तो हाँ वाकई ज्यादती हो गई बेचारे के साथ, लेकिन बिगर पिक्चर उसके साथ बहुत बेहतर हो गया क्योंकि उसकी आखिरत बन गई। तो हमारा ईमान जब तक आखिरत पे नहीं होगा ना, हम दुनिया की ही चीजों को इंसाफ के तौर पे देखेंगे और हम सोचेंगे कि शायद बेचारे के साथ ज्यादती हो गई, इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। तो भाई अल्लाह ने दुनिया में इंसाफ का वादा रखा ही नहीं है, अल्लाह ने तो करना ही नहीं है दुनिया में इंसाफ। अल्लाह तो रोज़े जज़ा के मालिक हैं, अच्छा दुनिया के भी मालिक हैं, लेकिन अल्लाह इज लेटिंग अस रुइन एवरीथिंग, अल्लाह इज लेटिंग अस, क्योंकि उसके बाद फिर अल्लाह ने इंसाफ करना है। तो दुनिया में जिनको नाइंसाफियां होती नजर आ रही हैं और वो उस पर मायूस हैं कि ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, इसमें अल्लाह की बेटी कैसे हो सकती थी, तो अल्लाह ने तो दुनिया में करना ही नहीं है इंसाफ, अल्लाह ने दुनिया रखी ही नहीं है इंसाफ के लिए। और बेहतर हुआ या नहीं हुआ इसका फैसला सिर्फ दुनिया की कैलकुलेशन के बेस पे नहीं होना है। हो सकता है कोई शख्स फकीरी में जिंदगी गुजार के चला जाए, साहबा में भी ना लेवल थे, साहबा में भी दर्जात थे, किसी भी मसलक से पार होके हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत ऊंचा मुकाम है, जिस मर्जी मसलक से आपके ताल्लुक है उनका बहुत ऊंचा मुकाम है। सारी जिंदगी उनका जो शुमार है, चलो सारी जिंदगी नहीं कहता मेजॉरिटी, उनका शुमार उन साहबा में है जो मुफलिसी भूख फकर में गुजारा है। तो अगर कोई दुनिया के लिहाज से देखे तो वो तो नहीं हुए अमीर। चलो हजरत मोहम्मद सल्लम की मिसाल ले लेते हैं, शादी का कुछ फेज़ है पहली शादी का जो बहुत अच्छे पैसों में गुजरा है, या चलो बेहतर हालात हो गए होंगे जब मदीना में जंगें जीतनी शुरू हो गई थी, इवन देन फाकों में गुजरी है ज़िंदगी। जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनकी क्या एक शनाख्त है, ये बादशाह थे, इनकी बादशाहत में ज़िंदगी गुजरी है। तो वो बादशाह रहे, वो सक्सेसफुल हो गए, और हज़रत मोहम्मद सल्लम ने भूख में ज़िंदगी गुजारी तो नाकाम हो गए, नहीं, सरदार है नबियों के। तो भाई बात दुनिया की है ही नहीं, ये वो समझ सकेगा जिसका आखरत पे ईमान है। और एक हदीस का मफहूम है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। अब इसमें अल्फाज पे गौर करें तो लगता है जन्नत, तो बात यह है कि जन्नत वो जगह होगी जहाँ पर इंसान क्या करेगा, जो दिल चाहेगा करेगा। तो काफिर इस दुनिया में क्या कर रहा है, जो दिल चाह रहा है कर रहा है। तो इसलिए ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कैद खाना है। वी हैव टू फॉलो रूल्स। कल इंशाल्लाह आज बात करेंगे।